आपको सीधे लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद। तो चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो लखनऊ की तस्वीरें जहां पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे हैं, तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद। तो जिस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचे तो वहां बैठे लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आप तस्वीरें देख रहे हैं, मंच की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम अधिकारियों के साथ मौजूद और अब दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो ये लखनऊ की तस्वीरें, एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए मंच पर मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तमाम अधिकारी उनके साथ यहां पर मंच पर दिखाई दे रहे हैं, दीप प्रज्वलित सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। तो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति का अनावरण करने यहां पर पहुंचे हैं। तो संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। मंच की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो गजब का उत्साह जो है वहां मौजूद लोगों में भी दिखाई दे रहा है। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का कई जो कार्यक्रम है, कई दौरे यहां पर हैं, तो उसको लेकर भी काफी हैक्टिक बिजी शेड्यूल जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है। और अभी फिलहाल ये लखनऊ की तस्वीरें जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके बाद नोएडा को 2 दिवसीय दौरा, लेकिन उससे पहले शामली का रुख सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। तो फिलहाल संचारी रोग नियंत्रण अभियान के शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। तो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, स्थानीय विधायक महिला और बाल विकास विभाग के मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, स्थानीय विधायक महिला और बाल विकास विभाग के मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण सीमित मोहन प्रसाद जी, निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण, मंडलायुक्त लखनऊ, जिलाधिकारी लखनऊ, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, लखनऊ के इस नगरीय स्वास्थ्य केंद्र में आज एक साथ कई कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य मेला की आज की 5वीं कड़ी है। अब तक 4 आरोग्य मेले संपन्न हुए हैं और मुझे प्रसन्नता है कि लगभग इन सभी मेलों में 17 लाख से अधिक लोगों को आरोग्यता चिकित्सीय परामर्श, दवा,
रोग की जांच के साथ ही स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस की मुक्ति का हो, आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड को जारी करने का हो, या फिर पोषण मिशन से जुड़े हुए कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने का, ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक इन सभी आरोग्य मेलों के माध्यम से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री आरोग्य मेला की पांचवी कड़ी है। मैं इस अवसर पर आप सबका सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं। पांचवी कड़ी में एक नया कार्यक्रम इसके साथ जुड़ रहा है और वह है संचारी रोग से नियंत्रण करने के लिए या उनके उन्मूलन के लिए अंतर विभागीय समन्वय से होने वाले कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई। संचारी रोग का मतलब जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है, इसे आप संक्रामक बीमारी कहते हैं। इसको नियंत्रित किया जा सकता है, इससे मुक्ति पाई जा सकती है, बशर्ते थोड़ी बहुत सावधानी हम लोग रखें। और ये सावधानी साफ सफाई के प्रति, स्वच्छता के प्रति, छिड़काव के प्रति, और अगर बीमारी हो जाती है तो समय से उपचार करके हम लोग अगर इस बीमारी के सही इलाज ले लेंगे तो हम लोग इससे बचे रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के और प्रदेश के लगभग 38 जिले ऐसे हैं जो अति संवेदनशील और संवेदनशील दायरे में आते हैं इंसेफ्लाइटिस के प्रति। लेकिन डेंगू, कालाजार, इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि ऐसी तमाम विषाणुजनित बीमारियां हैं जिन बीमारियों को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है, बशर्ते अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हम समाज को जागरूक कर सके। इंसेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश में कभी बहुत बड़ी मात्रा में मौतें होती थी। 1977-78 से लेकर के 2016-17 तक कोई वर्ष ऐसा नहीं था जब 500 से लेकर 1500 तक बच्चों की मौतें केवल एक बीमारी से मात्र 3-4 महीनों के अंदर न होती रही हो। लेकिन प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए गए बृहद अभियान, इसमें टीकाकरण का कार्यक्रम भी है, स्वच्छता का भी है, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का भी है, जागरूकता के साथ साथ ट्रेनिंग के विशिष्ट कार्यक्रम भी हैं, जिनके माध्यम से हम लोग एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ाए हैं। और उसका परिणाम है कि बीमारी 56 से 60% कम करने और मौत के आंकड़ों को 90% तक कम करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। मैं स्वास्थ्य विभाग के उन सभी कर्मयोगियों का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस महामारी पर विजय प्राप्त की। हम ऐसे ही डेंगू को भी नियंत्रित कर सकते हैं, कालाजार को नियंत्रित कर सकते हैं। बीमारी का होबा खड़ा करने से बीमारी का समाधान नहीं हो सकता, बल्कि व्यवस्थित कार्य योजना बना करके इसका समाधान किया जा सकता है। और इसी बात को लेकर के मैं मीडिया से भी इस बारे में आग्रह करूंगा, बीमारी के नाम पर लोगों के मन में भय पैदा किए जाने की आवश्यकता नहीं। जैसे कल मैंने स्वयं भी इस चीज के देखा कि मेरठ से एक बात चल रही थी कि स्वाइन फ्लू से इतनी मौतें हो गई। ये फ्लू जो भी होता है ये कोई बीमारी नहीं होती, जैसे ही सीजन चेंज होता है, मौसम चेंज होगा तो कोई ना कोई जुकाम होगा, अपने आप में फ्लू है। उसका जो कारक है उसके नाम पर उसको किसी को स्वाइन फ्लू कह दिया जाता है, किसी को बर्ड फ्लू कह दिया जाता है, कोई किसी अन्य नाम पर जाना जाता है। इसलिए उसके नाम पर कोई होबा खड़ा करने की बजाय हम लोगों को इसके प्रति जागरूक करें, लोगों को बताएं उसके बचाव और फिर उसको पूरी तरह समाधान करने के बारे में आवश्यक कार्रवाई करें। और उसी दृष्टि स्वास्थ्य विभाग को भी इसके प्रति अलर्ट रहना पड़ेगा। मेरा यह अनुमान है कि ये जितने फ्लू हैं अगर हम इससे बचाव कर सकेंगे तो इससे मुझे लगता है कि बेहतर कोई दूसरा कार्य नहीं। दूसरा, अगर ये फैल भी गया है तो होबा खड़ा करने की बजाय
हम उसको एक सिस्टम के साथ जो उसका प्रोटोकॉल तय हुआ है उस प्रोटोकॉल का हम पालन करते हुए उसके नियंत्रण करने के लिए और ऐसे आइसोलेशन वार्ड बना करके जहां पर हम लोग उन लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करा सकें दे सकें, तो इस बीमारी से मौत के आंकड़ों को पूरी तरह न्यूनतम यानी जीरो तक पहुंचाया जा सकता है और ये हुआ है, आगे भी हम करेंगे। आज हम लोग यहां पर मैं धन्यवाद दूंगा यूनिसेफ को जिन्होंने दस्तक अभियान के साथ मिलकर के हम सबके साथ संचारी रोग नियंत्रण में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। यूनिसेफ ने कदम कदम पर हमारे साथ खड़े होकर के इस कार्यक्रम में सहभागिता की और आज उसका परिणाम है कि इंसेफ्लाइटिस को हम लोग पूरी तरह नियंत्रित करने की स्थिति में आ चुके हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए, आज से जो टीकाकरण की कार्रवाई प्रारंभ हुई है इसमें दो तीन चीजों को, एक वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को ये टीका जरूर लगाया जाए, जिनको अब तक नहीं लग पाई है वे टीकाकरण जरूर लगाएं। इसका कोल्ड चेन मेंटेन रहे इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग विशेष रूप से जागरूक करें। एक महीने तक चलने वाले कार्यक्रमों में स्कूल कॉलेजेस को, स्कूलों को, माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को, ऐसे ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से हर एक बच्चे को लाने की आवश्यकता है। जिसको टीका नहीं लगा उसको टीका लगवाने की आवश्यकता है, जिससे हम उस बच्चे को किसी भी प्रकार की संचारी रोग से बचाने में सफलता प्राप्त कर सके। दूसरा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्वच्छता के प्रति हम जागरूकता पैदा करें। स्वच्छता का मतलब एक सामान्य घर के बाहर, मोहल्ले में, वार्ड में, क्षेत्र में कहीं भी गंदगी न रहे, सड़कों पर नालियों का पानी न बहता रहे, इसके बारे में नगर विकास, ग्राम्य विकास ये सभी जागरूक होकर के स्वच्छता के विशेष कार्यक्रम खोले, छिड़काव करें, मच्छरों से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए छिड़काव का सहारा लें, फॉगिंग करें, जहां भी आवश्यकता पड़ती है वहां पर उस प्रकार के कदम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता, खुले में शौच न करिए। इंसेफ्लाइटिस का जो दूसरा वायरस है एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, इसका कारण है गंदगी और अशुद्ध पेयजल। अगर गंदगी होगी तो बीमारी जरूर होगी और जब हम लोग खुले में शौच के खिलाफ अभियान चलाएंगे, हर परिवार के पास शौचालय है और सरकार ने यह भी निर्णय लिया है हर ग्राम पंचायत में जहां पर प्रत्येक परिवार को शौचालय देने के बाद भी अगर कोई बचता है तो महिला और पुरुषों के लिए दो दो अलग शौचालय बनाने, सामुदायिक शौचालय भी हर ग्राम पंचायत में बनाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के साथ भी सभी जनप्रतिनिधि का भागीदार बनकर के इस कार्यक्रम को भी सफल बनाएं तो खुले में शौच से मुक्ति के साथ ही बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, जल जो भी है हमारा प्रयास होना चाहिए कि गांव में होता क्या है कि गांव का पूरा